सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये देख सकते हो आप मेरी परछाई, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि आज जो है ऐसे ही वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो है मैं याबलाका जा रहा हूँ दूध और ये लेने के लिए, क्या आटा, अगर इफ़ पॉसिबल अगर वहाँ याबलाका में अवेलेबल हो तो आटा लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया था तो सोचा आज स्टार्ट करूँ और फिर उसके बाद जो है दूध लेंगे वहाँ से और आटा लेंगे। उसके बाद हमारा प्लान है कि सेंटर जाने का आज, क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है, वेकेशन। सो सितंबर से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर फीस की टेंशन, एकेडमिक टेंशन, जो छोटी सी ज़िंदगी टेंशन ही टेंशन। तो अभी जो है आज हमारा प्लान है कि सेंटर जाने का, सेंटर घूमने का। मेरा फ्रेंड है वैभव, तो वो आ जाएगा कुछ देर बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ याबलाका, वहाँ से जो है ये अपना सामान ले कर फिर आऊँगा हॉस्टल की तरफ। और बाकी अभी हमारा ट्रिप का प्लान हो रहा था कि कहीं जाएंगे एपिटोरिया या फिर सुदाक। याल्टा तो खैर गया हूँ, लेकिन जिससे पूछो जो किसी के पास पैसे ही नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बोला 10 बार जाके आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी और एक चीज़ जो बतानी थी मुझे, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने ले लिए दूध और आटा। वहाँ मुझे कुछ दोस्त मिल गए थे मेरे, तो उनसे बात करने लगा था मैं, तो मैं दिखा नहीं पाया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। अभी निकल चुके हैं सेंटर के लिए, रास्ते में हमारे साथ वैभव भी है और इसे आपने पहले ब्लॉग में भी देखा ही होगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही, मतलब बहुत ये हो जाता है ना, एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताने वाला था, हो सकता है ये जो है मेरा लास्ट ब्लॉग हो, मैं यूट्यूब को एक्चुअली छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत दुखद खबर है ये, बट यस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि लंबी वीडियो हो सकता है काफ़ी दिनों बाद आए, क्योंकि जो है काफ़ी एकेडमिक स्ट्रेस है, तो उस चक्कर में जो है मैं डाल नहीं पाऊँ। बाकी शॉर्ट्स आते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसमें भी मैं अपने आप को प्रेशराइज नहीं करूँगा। मेरा मन करेगा कुछ नहीं है करने को तभी डालूँगा मन से, ठीक है। रोज़ नहीं डाल पाऊँगा, और मन किया रोज़ तो रोज़ डाल भी सकता हूँ। बाकी लंबी वीडियोज़ में बहुत टाइम लग जाता है ब्लॉग वगैरह बनाने में, एडिट करने में। बाकी व्यूज़ भी आप लोग देते नहीं हो, 100 200, इसके लिए कौन मेहनत करे। लेकिन कोई बात नहीं, जो 100 200 लोग मुझे देखते हैं उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। यही बताना था कि हो सकता है आप काफ़ी दिनों बाद, 5 6 महीने 3 4 महीने बाद जो है आपको लंबी वीडियो देखने को मिले। और बाकी पता ही होगा आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, जो भी मोटे लड़के हैं वो अपना वज़न कम कराएं, ठीक है, जिम जाएं। बाकी मैंने भी जिम ज्वाइन किया था अभी रिसेंटली, थोड़ा बहुत मेरा मोटिव ये था कि वेट गेन कर लूँ। जैसे कि मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स जो नापा था, तो मैं 58 अगर मेरा वेट है तो ये एकदम परफेक्ट वेट है। मेरा 53 था पहले, मतलब। तो फिर मैं गया जिम विम की, 1 महीने मुश्किल से मैं 15 दिन गया हूँगा, 10 से 15 दिन, ठीक है। बाकी मेरा वेट भी गेन हुआ, 53 से 56 तक मैं पहुँचा, और फिर अभी नहीं जा पाते हैं क्योंकि यार तुम या तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो खाना ही बना लो, रेस्ट ही कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ी लो, या तो जिम जाके थक ही जाओ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो मैंने गिव अप कर दिया अभी जिम से। बाकी मेरा प्लान भी था कि 2 महीने ही करना है, क्योंकि उसके बाद सितंबर से तो पॉसिबल नहीं था। बाकी अगस्त में भी मैंने जो है छोड़ दिया। फिर देख सकते हो क्या मस्त सड़कें हैं यहाँ पे। बाकी आपकी लाइफ में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए, एक दो दोस्त जिससे आप कुछ भी बोल सको और वो आपको बिना जज किए हुए सुने समझे। मैं इसकी बहुत ही लेता रहता हूँ, बेइज्जती करता रहता हूँ, लेकिन जो है वो आ गया को पता चलेगा कौन किसकी लेता है कितनी। लेकिन वो अलग बात है, हर जगह जाके हक देता है, अबे हो गया। लेकिन जो है अभी चल रहा है पागल, वो चल रहा है क्या गाइस, बीच ट्रैफिक में आ गए, देखो नहीं करना आप लोग, मुझे तो पता नहीं लगा कि स्टॉप हो गया है, बहुत ही गलत बात है ये। यही है कि हो सकता है ये कहीं भी हक दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी मजाक को छोड़ के एक दो दोस्त ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अकेले रहना होता है ना, मतलब फैमिली से दूर, ठीक है। तो आपकी चीज़ों को समझे, बिना जज के हुए सुने, ठीक है। जब मेरे 10 व्यूज़ आते थे तब भी ये मेरे साथ था, आज इंस्टा पे 20 मिलियन व्यूज़ गए तब भी ये साथ है, और आगे जब यूट्यूब पे भी आगे जो अभी तो 100s में व्यूज़ आते, 1000 में आएंगे, आगे 1 लाख में आएंगे, तब भी ये साथ ही रहेगा। सो गाइस, मिलते हैं आगे।
सो गाइस फाइनली सेंटर पहुंच चुके हैं हम। ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा क्या मस्त है। यहाँ कुछ है नहीं मतलब खास, लेकिन अब तो हमें आदत हो गई है तो उतना कुछ खास लगता नहीं है। ये है देख सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो आप, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। लाइट्स वाइट्स अच्छी लगी हुई है, बिल्कुल विदेश वाली जो है ना वो फीलिंग आ जाएगी आपको, आप यहाँ आओगे नए नए आओगे तो। और यही है, कभी कभार घूमने आ जाया करो, निकल लिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है। हॉस्टल में ऐसे ही दम घुटते रहता है ना, वेकेशन भी चल रहा है तो। और बाकी यहाँ क्लब्स है कुछ, उसमें आप चाहो तो जा सकते हो, वहाँ डांस वांस कर सकते हो। और यही है यहाँ का मोटा मोटा सीन तो, ठीक है, बढ़िया है, आ सकते हो कभी कभी, ठीक है। बता भाई कुछ कहना चाहेगा, बोल भाई कुछ तो बोल। नींद आ रही है, मैं नींद आ रही है इसे, इसका तो मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरा ही मन था कि बहुत दिन हो गए, दो दिन से बाहर नहीं निकला हूँ, चलो घूम के आते हैं बाहर। बाकी रोज़ कभी ना रोज़ मतलब हॉस्टल से बाहर निकल ही जाना चाहिए, एक दो घंटे बाहर से आ जाओ, क्या अच्छा लगता है कि हाँ चलो बाहर से आ गए, ठीक है। और बता भाई नींद के अलावा, बता नींद के अलावा क्या, नींद के अलावा किस कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने तेरी नींद उड़ा रखी है? नींद आ रही है भाई, उड़ नहीं रही है। नींद आ रही है तो कभी ऐसा हुआ है कि तेरी नींद उड़ गई हो अचानक से रात में? ऐसा तो रोज होता है, जब से अकेले रह रहा हूँ तब से। ओके गाइस, सपने में भूत आती है, गलत आवाज़ उठाती है। ओके भूत या डाइन जो समझ लो, जो समझ लो। तो देखो गाइस, ये देखो, हो सकता है आज हम क्लब भी जाएं रात में, अगर मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मूड बन गया तो चले जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मूड की ही सुनते हैं और कोई भी एक्स वाई जी क्या बोल रहा है वो सुनते ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस चलते चलते जो है थक गए थे तो थोड़ा सा हमने सोचा कि रेस्ट ले लेते हैं। हर मोमेंट का अपडेट देना जरूरी है ना आप लोगों को, थोड़ा लुक्स चेक करा देने, लुक्स ये पकड़ कैमरा। सो गाइस कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो। सो अभी बैठ गए हैं, देखते हैं अभी फिर थोड़ी देर बाद और घूमेंगे। व्लॉग में आ रहा है भाई, व्लॉग में। अरे व्लॉग व्लॉग भाई व्लॉग व्लॉग में बॉडी बिल्डर ब्रो, बिग फैन बोल दे भाई, बिग फैन बोल दे, बिग फैन, बिग फैन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बिग फैन गाइस, मिल जाता है फैन मुझे। तो ये आ गए थे मतलब आज, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही, मतलब बहुत लोग होते हैं, सबका अपना अपना प्लान्स होता है। तो अभी मैंने दिखा दिया दो लौंडे को, तो इनका भी प्लान था कि चलो आज घूम के आते, तो ये भी आ गए। ऐसा ही होता है मतलब, रहते हैं कि चलो इंडियंस निकले, लेकिन मतलब हम निकले बाहर, लेकिन कोई अब कभी ऐसा नहीं हुआ है ना कि मैं बाहर निकला हूँ और किसी इंडियंस से मेरा वो ना हो, इंटरेक्शन ना हुआ हो, है कि नहीं वैभव? यार इतने इंडियंस भरे हुए हैं यहाँ की, लगता ही नहीं कि रशिया आए हुए भाई साहब। देखा अभी, कोई भी तुम्हारे भाई को देख लेता है ना तो बिना हेलो किए रह ही नहीं पाता। ये देखो ये भी बोलेंगी, ये नहीं बोली, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग बोली देते हैं, टोरा ही ऐसा है। सो गाइस दिस वन इज़ अनदर पार्ट ऑफ सेंटर, अभी मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ यहाँ क्या है। ये देखो ये भी एक क्लब सा है, वहाँ रेस्टोरेंट सा है कुछ, ठीक है, मैं इसमें गया नहीं हूँ अंदर कभी। यहाँ सारे जगह जो है ना मतलब सेंटर में मोस्टली जो है यहाँ पे बेंचेस लगे हैं, आप बैठ सकते हो, आप घूम सकते हो, ठीक है। ये पिज़्ज़ा हाउस है, यहाँ पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो। ये देखो गाइस ये ऐसा बना रखा है, यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो आप, एक एक माइन्यूट माइन्यूट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आप अगर मान लो यहाँ आओ बाई चांस तो कभी आपको वो ना लगे कि मैं जानता ही नहीं है, ये मैरी वैरी है। काफ़ी महंगी यहाँ पे जो है शेक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी चले जा सकते हो, रोज़ तो जाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, पॉसिबल है लेकिन क्यों ही पैसे खर्च करने, बताओ है ना, क्यों ही झूठ मूठ के पैसे खर्च करने भाई। इंसान वही समझदार होता है
जो समझदारी के साथ पैसे खर्च करता है और समझदारी के साथ सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो आप यहाँ घर से दूर हो तो आपको सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है, तो आपको एक चीज़ में, हर चीज़ में दिमाग लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। बाकी कभी कभार दिल भी लगा लिया करो, लेकिन दिल हमेशा टूटता ही है, तो दिमाग ही लगाया करो ज़्यादा टाइम। ठीक है, देखो ये क्लब आ गया, सोवा क्लब, वन ऑफ द क्लब्स इन द सेंटर। आगे और भी है, मैं दिखाऊंगा अगर वहाँ तक जाना हुआ तो। ठीक है, अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, मन किया तो फिर जाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे। ये यहाँ पास में बैंक भी है, ये जो है ये दिख रहा है, ये रोज बैंक है। ठीक है, रोज बैंक है, वन ऑफ द बैंक इन सिम्फेरोपोल। ठीक है, यहाँ फिर आप लगा ये कुछ सामान वगैरह अगर आपको ख़रीदना हो तो आप यहाँ से, बीच में अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी ग्रॉसरीज़ वगैरह या कोई भी चीज़ की शॉपिंग करनी हो, ग्रॉसरीज़ लेना हो, दूध लेना हो, अंडे लेने हो, ठीक है, वो सब खैर ग्रॉसरीज़ में ही आ जाती है, लेकिन कुछ भी लेना हो ले सकते हो। यहाँ भी एक याबला का टाइप्स बना रखा है। ठीक है, सो गाइस, ये है सेकेंड क्लब ऑफ रशिया, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सॉरी रशिया क्या बोलो, सिम्फेरोपोल। एंड इन सिम्फेरोपोल बेसिकली इन सिटी सेंटर, इसका नाम जिप्स्टर है, जिप्स्टर। ठीक है, वहाँ दिख रहा होगा आपको नाम, जो जूम करता हूँ पास दिखाता हूँ। सो यहाँ दिख रहा है जिप्स्टर, उल्टा दिख रहा होगा। सो ये था दूसरा क्लब। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस कुछ है नहीं, कुछ भीड़ वीड़ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं, और एक्सप्लोर करते हैं। भाई जिप्सर में एक भी आदमी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इनका जो बिज़नेस है वो कैसे चल रहा होगा, कहीं इस सड़क पे ना आ जाए। हम भी सोच रहे थे एक्चुअली क्लब वगैरह खोल लें, लेकिन क्लब वगैरह अगर खोल लेंगे तो ऐसे ही अगर हमारे पास एक भी लोग नहीं आएगा मतलब क्लब में, तो क्लब कैसे चलेगा, तो हमने वो प्लान जो है कैंसिल कर दिया है। और अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं कंटिन्यू। इस फ्रेंड्स मिलने आ गए थे हमारे बीच में, गाइज ऐसे मिल जाते हैं मुझे रशिया में फैंस वगैरह, देख सकते हो आप, आपकी डिमांड थी रशियन दिखाओ, मिलते ही रहते मुझे, बट मैं भाव नहीं देता किसी को ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अपना भी टोल है। ये देखो गाइज कन्हैया बना हुआ है, ये सब मेरी वजह से। लो स्पाइडरमैन, देख लो स्पाइडरमैन स्पॉटेड इन सिम्फेरोपोल। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। आगे भाई कंटिन्यू कर, आगे नहीं आ रहा है। तनुन सिंदुकड़ दत है मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। गाइस अभी इसके बाद जाएंगे क्लब, अभी नाइट आउट है ना आज, तो एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर। ठीक है, बॉयज नाइट आउट, या स्पैम ऑन द चैट, बॉयज नाइट आउट। समझ कुछ नहीं आ रहा है पर वाइफ Oh,
सो गाइस फाइनली हॉस्टल जो हम पहुंचने वाले हैं आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके। कल रात हो गई कोल मेरे बैठ दस की हो गया, लब दी फिर नहीं तेरा की खो गया, लगदा किसी ने तेरा छल्ला मोड़ता।